हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मर्दर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ मणिपाल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मैथ सेक्शन। सबसे ज्यादा किसी से क्वेश्चन रहता है मैथ से रहता है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है तो मैथ से रहता है। इस वीडियो में कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। देखो मेरे पास 20, 21, 22, 23 का कंप्लीट स्क्रीनशॉट है, कैसे कैसे क्वेश्चन मॉक में पूछे गए। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा 2023 में किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद तुम एक आइडिया ले लोगे, और कंप्लीट आइडिया लेना भी है। देखो क्या होता है ना, शिफ्ट बाय शिफ्ट पेपर होता है, मैं सारा शिफ्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते। बच्चे एग्जाम देके आते थे फिर मुझे फीडबैक देते भैया इस चैप्टर से इतना कितना क्वेश्चन पूछा गया, सारा का सारा बना हुआ। अगर न्यू वीडियो चाहिए होगा भैया किस पैटर्न पर ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है तो मुझे बताना। देखो मैं 3-4 साल से बना रहा हूं, एक आइडिया मेरे पास हो गया किससे किससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देख रहा हूं कमेंट से ज्यादा मैसेज इंस्टाग्राम पे मैसेज रहता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं ट्राई करो कमेंट सेक्शन में पूछने का, कमेंट सेक्शन में मैं भी रिप्लाई कर दूंगा। वो बच्चे जो भी कॉलेज में है जिसका लास्ट ईयर अच्छा अच्छा रैंक आया था वो भी मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो वो भी रिप्लाई कर देंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पहले कमेंट सेक्शन में पूछो, और कमेंट सेक्शन नहीं मिलता तो पर्सनल डाउट आ रहा है कुछ, अगर हेल्प चाहिए होगा तब तुम मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। बाकी मैं सबका रिप्लाई दे रहा हूं, टाइम लग रहा है बट मैं रिप्लाई दे रहा हूं इंस्टाग्राम पे, मैक्सिमम जगह रिप्लाई कर रहा हूं। कोई पर्सनल डाउट आ रहा है तुम इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, जनरल डाउट के तुम कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए व्हाट्सएप का चैनल बना दिया हूं तुम वहां पे जा सकते हो, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगेंगे मैं ट्राई करूंगा पहले वहां पे अपडेट कर देने का। मैं टेलीग्राम ग्रुप था बट वो वर्क नहीं कर रहा है, स्टूडेंट कनेक्ट थे बट किसी कारण से वो वर्क नहीं कर रहा है, इसी कारण से मैं व्हाट्सएप का चैनल बना दिया हूं, वहां जो भी अपडेट होगा वहां पे डाल दूंगा। मैं बताता हूं, मैं ये जो बता रहा हूं मैं 2023 का मॉक में किससे किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्लीट शिफ्ट के रिगार्डिंग बताया। शिफ्ट 1 में किससे किससे क्वेश्चन थे, शिफ्ट 2 में किससे किससे क्वेश्चन थे, वो मेरे लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट देखोगे मणिपाल 2023 वहां पे कंप्लीट मिल जाएगा। तो यहां पे मैं कंप्लीट आइडिया दूंगा मणिपाल मॉक में कैसे क्वेश्चन थे और रियल एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए थे। तो कंप्लीट डिपेंड मत होना, मॉक में और एग्जाम में डिफरेंस था तुम्हारा, ठीक है। यहां पे मैं एक आइडिया दे रहा हूं जो मेरे पास क्वेश्चन स्क्रीनशॉट्स है उसके बेसिस से बताना चाहता हूं। याद रखना मैथ्स का पेपर टफ होता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैथ्स का पेपर टफ होता है। अगर तुम इंग्लिश में अच्छा मार्क्स नहीं लाओगे तो तुम्हारा यहां पे रैंक लाना मुश्किल हो जाएगा, इसी बात रखना। इंग्लिश में तुमको 40 out of 40 लाओगे और बहुत सारे बच्चे लाए तुम भी लाओगे, कहीं से कुछ नहीं करना है, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है तुम जाओ वहां पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, सारा का सारा जितने प्लेलिस्ट क्वेश्चन है तुम्हारा मैं डिस्क्रिप्शन में सबका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तुम वहां से प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चन हो रहा है उसका तुम अच्छे स्कोर यहां पे कर लोगे, नो नीड, कोई जरूरत नहीं फिर इंग्लिश पढ़ने की। अगर नहीं कर पा रहे हो तो इंग्लिश पे फोकस करो, 40 मार्क्स फ्री का मिलेगा तुझे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मॉक टेस्ट 2023 में फर्स्ट मॉक टेस्ट, क्योंकि दो फेज में एग्जाम होता है, फेज वन का मॉक टेस्ट का बात कर रहा हूँ, फेज वन का मॉक टेस्ट का बात कर रहा हूँ किससे किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। फेज टू का मॉक है मेरे पास उसका मैं बता दूंगा, उसके बाद 2022 का 2021 का बता दूंगा मैं किससे किससे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके खुद एक आइडिया मिल जाएगा, उसके ओवरऑल बता दूंगा किस किस चैप्टर पर फोकस कर सकते। जो भी वीडियो चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन बताना। बताता हूँ कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन चैप्टर से पूछे गए थे। तुम्हारा 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन से तुम्हारा 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एरिया अंडर कर्व से तुम्हारा 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्री टर्मिनल से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से तुम्हारा लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्ट्रेट लाइन से तुम्हारा 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, सर्कल से तुम्हारा 1 क्वेश्चन था, इलिप्स से तुम्हारा 1 क्वेश्चन था, लिमिट कंटिन्यूटी से तुम्हारा 1 क्वेश्चन था, दोनों का मिक्स क्वेश्चन था, लिमिट कंटिन्यूटी मिला हुआ था उससे तुम्हारा 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहां तक याद रखना बहुत इजी था तुम्हारा, बहुत इजी था, 0x0 के फॉर्मूला का क्वेश्चन था, समझ लेना बहुत इजी रहता है तुम्हारा। कुछ कुछ चैप्टर सेट रिलेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को मिलाकर के तुम्हारा एक क्वेश्चन था जो टफ क्वेश्चन था तुम्हारा। उसके बाद यहाँ पे मीन मोड मीडियन से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी एक क्वेश्चन नहीं कभी दो क्वेश्चन नहीं, स्कोर करने के लिए होता है तुम्हारा। उसके कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन था, कभी कभी क्वालिटी भी रहता है तुम्हारा, एक क्वेश्चन था तुम्हारा। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया हो गया हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मणिपाल के मॉक में। मॉक में और एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी बता दो क्या डिफरेंस तुम्हारा रहता है। लास्ट में इतना ही रिक्वेस्ट करो, वो चीज पढ़ाई सही चल रहा है, बोर्ड लेवल का एनसीईआरटी लेवल करके रखे हो तुम, ट्राई करो इंग्लिश पे फोकस करने का। वो बच्चे जिसका जेई का सही चल रहा है एटलीस्ट तुम मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, इंग्लिश को सॉल्व कर लो, इंग्लिश तुम सॉल्व कर पा रहे हो सही है, नहीं कर पा रहे तो 20-25 मिनट की वीडियो को तुम देख लो, इंग्लिश से फुल आउट ऑफ फुल लाओगे। वो बच्चे जो कुछ नहीं पढ़ के रखे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिल करो अभी से लेके जब तक तुम्हारे डर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। काउंसलिंग का फुल सपोर्ट मिलेगा, मणिपाल का क्रैश कोर्स बना के रखा हूँ, कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल के रखा हूँ मॉक के लिए, तुम वो सब दे सकते हो, मतलब मैं अपने साथ मैक्सिमम दूंगा, डे बाय डे स्ट्रेटजी प्लान दूंगा, जो भी चाहिए होगा वो सारा करा दूंगा। 24/7 कॉलिंग फैसिलिटी है, कोई भी डाउट आएगा तुम कभी भी कॉल कर सकते हो। बस मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो अभी टाइम है तुम्हारे पास दो, अदरवाइज तुम बाद में रिग्रेट करोगे। अगर वो बच्चे इसका लगभग 60-70% टाइम तक प्लीज तुम इस पे हो गया मणिपाल बीआईटी बीट्स कमेंटेशन फोकस पर तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं कमेंट दूंगा, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।